अभी आपका क्या है? टावर। ग्राउंड लेवल से यहाँ पर कितना डिग्री का बन रहा है? हम क्या कह रहे हैं? 40 मीटर लंबा। फिर इसका जो एंगल है वो क्या होता है? 60 मीटर पर, मतलब 60 डिग्री पर। कितनी बार है? तो हमें क्या निकालनी है? हाइट ऑफ द और मैं अब ये पूरा है, ये जो ये हमको नहीं पता है इसको अपन मान लेते हैं। क्लियर? ए बी सी एंड सर सी को पिछली है सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा? सबसे पहले एंगल ए बी और सी 10-30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस, परपेंडिकुलर होता है एंगल के सामने वाली यानी ए सी अपॉन बेस, बेस होता है आपका 10-30 की वैल्यू कितनी होगी? रूट 3। ए सी हमें नहीं पता है, हम मान रहे हैं एक्स और बी सी आ जाएगा 40 मीटर प्लस। अब ये क्या कह रहे हैं? एक और एंगल बना रहे हैं, वो कितना डिग्री का बना रहे हैं? 60 हमें नहीं पता है और सी डी कितनी आपकी? ये आ जाएगा √3 y इज इक्वल टू। क्लियर? कोई डाउट नहीं? पक्का? ये आपका हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, 1/√3 इक्वल टू एक्स, एक्स कितना है? √y अपॉन 40 प्लस ये किससे मल्टीप्लाई होगा? इससे होगा 40 प्लस y इज इक्वल टू √3 y इनटू √3। 40 प्लस y रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा कितना? 3y हो जाएगा। तो 40 इक्वल टू 3y माइनस y, तो 40 इक्वल टू 2y, तो y इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर। तो ये कितना आ गया आपका? हमें क्या निकालना है? हाइट निकालना है। मेन हमारा हाइट क्या है यहाँ पर? तो क्या आ जाएगा? पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन टू √3 इंटू 20 एक्स, एक्स इक्वल टू आ जाएगा √20 √3। ठीक है,